नमस्कार किसान मित्रों, मैं आपका अपना किसान मित्र नितिन आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक रोग के बारे में, जो धान की फसल को बुरी तरह प्रभावित करता है और हमारी उपज को लगभग 40 से लेकर 50% तक कम कर सकता है। यह रोग इस समय धान की फसल में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रोग का नाम है ब्लास्ट, या कुछ जगह इस रोग को झोंका भी बोला जाता है। यह एक फफूंद जनक रोग होता है जो पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फफूंद से फैलता है। यह फफूंद हवा, पानी और मिट्टी किसी भी माध्यम से फैल सकता है। धान की रोपाई से लेकर दाना बनने तक यह रोग आ सकता है। रोग के फैलने के समय के अनुसार इसके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे रोपाई से लेकर कल्ले फूटने तक जब यह पत्तों के ऊपर बीमारी आती है तो इसे लीफ ब्लास्ट या पत्ता झोंका भी कहते हैं। इस समय इस बीमारी में पत्तियों के ऊपर पहले हरे रंग के नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में भूरे पड़ जाते हैं। इसे लीफ ब्लास्ट कहा जाता है, या कहीं कहीं इसे पत्ता झोंका भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कल्ले फूटने की अवस्था में। जब कल्ले फूटने लगते हैं तो तने की गांठ हरे रंग की जो होती है वह धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। तब इस रोग को नोड ब्लास्ट कहते हैं। अब बात करते हैं गोब के समय। जब गोब के समय बाली बनने लगती है तो बाली के नीचे हल्के काले रंग के धब्बे बनते हैं। इसे नेक ब्लास्ट या गर्दन तोड़ या गर्दन झोंका भी कहते हैं। इस समय अगर आपकी धान की बाली में दाने नहीं बने हैं तो आपकी धान की बाली सफ़ेद पड़ जाएगी और खाली रह जाएगी, इसमें कोई दाना नहीं बनेगा। वहीं अगर आपकी धान की बाली में दाने पड़ने के बाद यह रोग आया है तो आपकी बाली कमज़ोर होकर टूटकर गिरने लगती है और दाने भी झड़ जाते हैं। यह रोग बहुत खतरनाक होता है और यह एक बार धान की फसल में आ जाए तो आपका इससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह धान की फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यह एक बहुत खतरनाक फफूंद से फैलता है। यह फफूंद अनुकूल स्थिति मिलते ही बहुत तेज़ी से फैलता है। और यह अनुकूल स्थिति क्या होती है, हम आपको बताते हैं। जैसे जब वातावरण में जब बहुत ज़्यादा नमी बन जाती है और दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, यानी दिन में गर्मी रहने लगती है और रात में हल्की ठंड पड़ने लगती हो, या लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई हो, या बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही हो, या फिर ज़्यादातर टाइम पर बादल छाए रहते हों, या खेत में नमी कम हो, या खेत में आपने ज़्यादा यूरिया डाल दिया हो, ये कुछ अनुकूल परिस्थिति होती हैं। इन सभी अगर ये सभी कारण आपके खेत में बने हुए हैं तो आपके खेत में इस फफूंद के आने के चांस बढ़ जाते हैं। ये कुछ अनुकूल परिस्थितियां थी जिनमें बहुत तेज़ी से यह फफूंद फैलता है। अब बात करते हैं कि आप इस फफूंद से कैसे बच सकते हैं, ये कैसे कम से कम आप इसका फैलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप धान का बीज बोते हैं तो आपको बीज को उपचारित करना ज़रूरी होता है। बीज उपचार करने के लिए आप कोई भी फफूंदनाशक ले सकते हैं, जैसे कार्बनडाइजम, मैनकोजेब, थीरम, जीरम, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे अपने बीज को उपचार अवश्य करें। उसके बाद आप जब धान लगाने का प्लानिंग करते हैं तो धान को कोशिश करें कि आप धान को जल्दी से जल्दी लगाएं, क्योंकि जो ज़्यादा तापमान भिन्नता वाला मौसम होता है इससे बचाव करा जा सके। इसके अलावा खेत में समय समय पर पानी देते रहें, नमी बनाए रखें, नमी की कमी ना पड़ने दें। अपने खेत में नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। यूरिया जो है आप 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, पानी भरपूर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस दवाई का उपयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है। दोस्तों, आप आइसोप्रोथिलीन 40% EC और मैनकोजेब 75% WP दोनों की 400-400 ml और 400 ग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैनकोजेब की जगह आप ट्राईसाइक्लोजोल 75% WP का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु इसका उपयोग केवल आपको दाना बनने से पहले ही करना है। अगर खेत में आपकी जो बालियों में दाने बन चुके हैं तो उस समय इस रोग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल के दाने में इसका अंश रह जाता है और दूसरी बात, चावल के दाने पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वैसे तो ट्राईसाइक्लोजोल काफ़ी देशों में बैन है, इसलिए आप भी इसका प्रयोग करने से बचें, नहीं तो केवल एक बार, वह भी दाना बनने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो इस रोग में काफ़ी कारगर है।
दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप इस रोग से बचाव वाली किसी भी दवाई का स्प्रे करें तो सुबह 11 बजे से पहले या दोपहर 3 बजे के बाद ही करें, तो आपकी जो दवाई है वो ज़्यादा काम करेगी और इस रोग पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगी इस रोग को और अच्छे से इसको समाप्त कर देगी, जिससे आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। आपका एक सब्सक्राइब करना और आपका एक लाइक देना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।